हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीड एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे 28 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछे थे। पहला क्वेश्चन क्या था, विच सिटी इन द यूएस बिकेम द फर्स्ट टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अभी हाल ही में यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहली सिटी कौन सी बनी है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है, तो कौन बनी है यह सिटी, ऑप्शन नंबर ए सिएटल। सिएटल और किस लिए फेमस है, सिएटल फेमस है आपका हवाई जहाज बनाने के लिए, ठीक है, एरोप्लेन्स वगैरह के लिए। कौन सी फेमस सिटी हवाई जहाज के लिए, सिएटल। सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज हवाई जहाज बनाती है, वो सारी सिएटल में ही सेटल रहती है। और यूएस के राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडन, डॉलर यहाँ की करेंसी, वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, आप सभी को ये तो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्या है, विच गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन मेडिकल कॉलेजेस फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। अभी इनमें से कौन सी राज्य सरकार ने ये ऐलान किया कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को वो लोग अपने राज्य में मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए रिजर्वेशन प्रदान करेंगे, तो किसने किया है, और जो ये रिजर्वेशन दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑलरेडी जो उनको एक रिजर्वेशन मिल रहा है कास्ट के आधार पर जो बेनिफिट मिलता है उससे इररिस्पेक्टिव होगा, ठीक है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो कौन सी गवर्नमेंट ने इसको अभी हाल ही में अनाउंस किया है, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाने वाला था। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। भोपाल गैस ट्रेजेडी या त्रासदी हुई थी, आप सभी को पता होगा, बताएंगे भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। और मध्य प्रदेश में और क्या देख सकते हैं आप लोग, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं यहाँ पे, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां फेमस है, और अमरकंटक की पहाड़ियों से ही तीन नदियां निकलती हैं, ठीक है, थ्री रिवर्स। आप लोग बताएंगे कि कौन कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, कौन कौन सी तीन रिवर्स की बात यहाँ पे चल रही है। मध्य प्रदेश में आपका विंध्या रेंज है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत, विंध्या रेंज आपके मध्य प्रदेश में है। उसके बाद और क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, एक आपका जबलपुर, ठीक है, कौन सी जगह है, जबलपुर। अभी जबलपुर क्यों फेमस है, जबलपुर फेमस है जितने भी आपके आर्मी के व्हीकल्स होते हैं वह सारे के सारे यहीं पे बनते हैं, कहाँ पे, जबलपुर में, तो इसलिए यह फेमस है जबलपुर, ठीक है, ये सारे की सारी चीजें यहाँ पे हैं। इतना ही अभी यहाँ से याद आ रहा है, इतना डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कुछ होगा तो आगे कर लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे कहाँ पे, अपने इंपॉर्टेंट डेज, कोई भी इंपॉर्टेंट डे होता है तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो इंपॉर्टेंट डे है, वैसे तो दो है लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें से एक है ये वाला, नेशनल साइंस डे। आप सभी को पता रहना चाहिए 28 फरवरी को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्यों, क्योंकि आज जो सी वी रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्होंने डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के तौर पे मनाया जाता है। और इस डिस्कवरी के लिए इनको, यानी कि ये है सी वी रमन, इनको क्या दिया गया था, फिजिसिस्ट थे, भौतिक विज्ञान के थे, तो इनको दिया गया था 1928 में नोबेल प्राइज, किसके लिए, इस रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए। अब यह रमन इफेक्ट क्या होता है, रमन इफेक्ट क्या होता है, कोई भी एक वर्णीय प्रकाश या फिर कोई भी एक जो लाइट की किरण जाती है, लाइट की जो रे है, अगर वो जाती है और वो जाते हुए उसके मार्ग में क्या आ जाता है, कोई द्रव या फिर कोई सॉलिड यानी कोई ठोस आ जाता है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, एक प्रिज्म है ये, ठीक है, ये एक प्रिज्म है। ऐसे कोई ठोस या फिर कोई द्रव अगर उसके मार्ग में आ जाता है तो जो वह एक वर्णीय प्रकाश है वह मल्टी कलर्स में स्केटर हो जाता है, यानी कि उसके जो अब जो एक वर्णीय प्रकाश है एक से ज्यादा कलर्स में बट जाएगा, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस तरीके से अलग अलग कलर्स में यह प्रकाश किरण बट जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं रमन इफेक्ट, और इसकी खोज करी थी किसने, सी वी रमन ने करी थी। जो ये कलर्स बट रहे हैं आपके, इनका भी एक सीक्वेंस होता है, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे सात कलर्स, कौन कौन से, विबग्योर बोलते हैं इंग्लिश में, विबग्योर मतलब सबसे नीचे का कलर कौन सा होगा, वायलेट होगा, उसके ऊपर आपका इंडिगो, उसके ऊपर आपका ब्लू, उसके ऊपर आपका ग्रीन, उसके ऊपर आपका येलो, उसके ऊपर ऑरेंज, देन उसके ऊपर आपका रेड यानी कि लाल होगा। जो लाल कलर है इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे कम रहता है, इसीलिए यह सबसे कम नीचे की ओर, मतलब सबसे कम अपवर्तित होती है। लेकिन जो बाकी कलर्स हैं, जैसे जैसे आप नीचे को जाएंगे इनका अपवर्तनांक यानी कि एन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वो उतना ही ज्यादा अपवर्तित हुआ किरण होगी। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका, वायलेट कलर का, इसीलिए जो वायलेट कलर की जो किरण है वो सबसे ज्यादा अपवर्तित होती है। फिजिक्स का टॉपिक है, चलो बता देता हूँ, काउची सूत्र होता है ए प्लस बी,
अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर होता है, जहां पे आपको दिख रहा हो क्लियरली एन मतलब क्या अपवर्तनांक, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, यहां से देखिएगा जो आपकी एन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा स्क्वायर के, यानी कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तनांक कम होगा, या फिर जैसे जैसे लैम्डा कम होगा वहां पे अपवर्तनांक ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है वायलेट का, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे कम वेवलेंथ होगी वायलेट की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी इनमें से रेड कलर की, इसीलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कम है। इसको बोलते हैं काउची फॉर्मूला, फिजिक्स है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए बता दिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे रेयर डिसीज डे, रेयर डिसीज डे उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार को ध्यान रख लेंगे। रेयर डिसीज डे वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में मनाया जाता है फरवरी के लास्ट दिन या उसके ही आसपास इसको मना लेते हैं, तो 28 की ये फरवरी थी तो 28 फरवरी को मनाया गया, कौन सा रेयर डिसीज डे 2023। इसके साथ साथ नेशनल साइंस डे की थीम क्या थी इस बार की, इस बार की थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इस बार की वर्ल्ड या सॉरी नेशनल साइंस डे की थीम रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं इससे। ये संसार का विश्व का मैप, जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सबसे पहले राष्ट्रीय सेक्शन यानी कि नेशनल सेक्शन देखते हैं, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज बनी और काफी इंपॉर्टेंट यह न्यूज है, इसको आप लोग देख लेंगे और ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं भी पूछा जा सकता है, आपके एसएससी के एग्जाम्स होंगे तो वहां पे आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा कि शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है कर्नाटका में। क्यों न्यूज में आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया किसका, शिवमोगा एयरपोर्ट का, जो कि आपके कर्नाटका में स्थित है। अब जो यह एयरपोर्ट है शिवमोगा एयरपोर्ट है, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले किया गया, यानी कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, सन 2010 में, 15 जून 2010 में रखी गई थी, और आज 2023 चल रहा है, लगभग 12 साल बाद इसको हम लोगों ने इनॉग्रेट कर दिया है। यह आपको दिख रहा होगा, यह है शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पे, कर्नाटका में। उस समय पे कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री थे येदुरप्पा यानी कि बीएस येदुरप्पा, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी, और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको 27 फरवरी को इनॉग्रेट यानी कि इसका उद्घाटन कर दिया है, ठीक है। दिस फैसिलिटी विल प्रमोट कॉमर्स टूरिज्म एंड कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे कर्नाटका में यानी कि शिवमोगा में और ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब यह यहाँ पे क्या करेगा, हेल्प करेगा यह एयरपोर्ट, ठीक है। 450 करोड़ इसमें कॉस्ट आई है, 450 करोड़ इसकी कॉस्ट आई है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो यह शिवमोगा एयरपोर्ट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका शेप है, आपको दिखेगा कैसा दिख रहा है यहाँ पे, लोटस यानी कि कमल की तरह दिख रहा है ना, ये कमल दिख रहा है, इसको किसके शेप में बनाया गया है, कमल के शेप में। तो आप सब कभी ये पूछ भी सकते हैं कि किस शेप में है यह, तो किस शेप में है, कमल के शेप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा यह शिवमोगा एयरपोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटका इसकी स्थापना यानी कर्नाटका का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1956 एक नवंबर को हुआ था, और इसकी राजधानी बेंगलुरु है। बसवराज बोमई वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर यहाँ के कौन है, थावरचंद गहलोत है कर्नाटका के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब आते हैं राज्य यानी कि स्टेट्स में बढ़ते हैं। स्टेट्स से क्या न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी है, राज्यों से क्या इंपॉर्टेंट बनी है, केरला साइंड पैक्ट विथ यूएन वुमेन टू एम्पावर वुमेन इन टूरिज्म, एक लाइन की न्यूज और काफी इंपॉर्टेंट। यूएन वुमेन यानी कि यूनाइटेड नेशंस वुमेन जो संस्था है, उसके साथ केरला गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट यानी कि एक पैक्ट साइन किया है कि जितनी भी वुमेन है उन सभी को क्या किया जाए, टूरिज्म के सेक्टर में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, वुमेन रिलेटेड एक्टिविटीज को वहां पे बढ़ाया जाए, इस चीज के लिए एक पैक्ट साइन किया गया है यूएन वुमेन के द्वारा। इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। द केरला गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशंस वुमेन टू बूस्ट वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज इन द स्टेट टूरिज्म सेक्टर एंड प्रमोटिंग जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म साइट्स इन द स्टेट, यानी कि उस राज्य में केरला में ये लोग क्या करना चाहते हैं, जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म साइट्स होनी चाहिए, यानी कि हर जेंडर का यहाँ पे इंक्लूजन होना चाहिए उसमें, ऐसी साइट्स को यहाँ पे प्रमोट करना है, इसके लिए उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है यूएन वुमेन के साथ। केरला आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यह है आपका केरला सदर्न मोस्ट, और जब आप भारत के नक्शे में सबसे नीचे आएंगे तो वेस्ट साइड में जो आपको दिखेगा यह क्या आपका, यह है आपका केरला।
केरला ही वह स्टेट है जहां से भारत में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है 1 जून को, ठीक है। 1 जून को भारत में मानसून एंटर करता है, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से आता है और केरला से ही एंट्री मारता है, इसलिए केरला में ही सबसे पहले क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। मैंगो सावर बोलते हैं उस टाइम पे, और वेस्टर्न घाट्स में केरला लाई करता है, ठीक है। यह केरला, केरला के लिए एक न्यूज मैंने आपको कल भी बताई थी कि केरला एक पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जो जितने भी मैन होल्स होते हैं, स्टेट्स में जितने भी मैन होल्स हैं उन सबको एक रोबोटिक स्कैवेंजर के माध्यम से सफाई उसकी की जाएगी, और उस रोबोटिक स्कैवेंजर का नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है बंदी दूत, ठीक है। बंदी दूत केरला में उसको पहले लॉन्च किया गया था, कहाँ पे, यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, उसके बाद इसको त्रिशूर में लॉन्च किया गया, और अब इसको सभी जगह पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा, उस बंदी दूत का यूज किया जाएगा मैन होल्स को साफ करने के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें बताई थी। जेन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है जिसने उसको डेवलप किया है, उस बंदी दूत रोबोट को, ठीक है, रोबोट स्कैवेंजर को। ये सारी की सारी चीजें हैं। कासरगोड आपको दिख रहा हो कहाँ पे है, कासरगोड, ये रहा कासरगोड। कासरगोड क्यों फेमस है पता है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कासरगोड, ये कासरगोड क्यों फेमस है, कासरगोड फेमस है यहाँ पे कोकोनट अनुसंधान केंद्र है, कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRI, कोकोनट यानी कि नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कासरगोड, ये दिख रहा है ना कासरगोड, यहाँ पे स्थित है, इसीलिए यह फेमस है। यहाँ पे कोई कोड है आपका, ठीक है, ये कोई कोड, त्रिशूर जिसके बाद अभी कर रहा था, त्रिशूर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर और मुख्यमंत्री यहाँ के पिनरई विजयन है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, कुछ और इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। DGCA साइंस एंड टेक से एक न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है, हेडिंग डालना भूल गया, साइंस एंड टेक, SNT, साइंस टेक से इंपॉर्टेंट न्यूज क्या बनी है, DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज अप्रूव्ड अ न्यू वेरियंट ऑफ हिंदुस्तान 228201 LW यानी कि लाइट वेट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय HAL, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किए गए 228201 जो लाइट वेट एयरक्राफ्ट होते हैं, इनके नए वेरिएंट्स को अप्रूव किया है अभी हाल ही में DGCA ने। आपको देखेगा यह है 228201, ये एयरक्राफ्ट है जिसकी बात चल रही है, ऐसे ही इसके इसके नए वेरिएंट्स को अप्रूव किया गया है DGCA के द्वारा वर्तमान में। क्यों, क्योंकि जो ये जो नया वेरिएंट होगा इसकी कैपेसिटी होगी जो टेक ऑफ करेगा, तो टेक ऑफ का जो इसका वेट होगा मैक्सिमम इसका कितना हो कैपेसिटी, 5695 किलोग्राम विथ 19 पैसेंजर्स, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं। दिस वेरिएंट प्रोवाइड सेवरल ऑपरेशनल बेनिफिट्स फॉर ऑपरेटर्स सच एज रिड्यूस्ड पायलट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एनेबलिंग पायलट विद अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट जो इसको चलाने की जो कॉस्ट होगी उसको रिड्यूस किया जाएगा इसके तहत, मतलब इसमें कम होगी, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। बात चल रही थी HAL की, इतना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 1940 को, वर्तमान में इसके CMD कौन है, R. माधवन, और हेडक्वार्टर इसके बैंगलोर यानी कि कर्नाटका में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज बात थी DGCA, अभी कुछ ही टाइम पहले कुछ एक नए DGCA नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, जिनकी नियुक्ति आज से होगी यानी कि आज 28 फरवरी से अपना कार्यभार वो संभाल लेंगे, अपना ऑफिस संभाल लेंगे। ये न्यूज मैंने पहले कवर करी थी लेकिन आज से वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। तो जो DGCA है इन्होंने किसको किया था वहां पे अपॉइंट, विक्रम देवदत्त, VDD, विक्रम देवदत्त को इन्होंने अपॉइंट किया था, जो कि 28 फरवरी से अपना कार्यभार संभालने वाले थे और आज से अपना कार्यभार संभाल लेंगे। जो पुराने DGCA चीफ थे जिनका नाम है अरुण कुमार, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। अब यह DGCA क्या है, DGCA एक रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन के फील्ड में, जिसका प्राइमरी काम क्या होता है, डीलिंग विथ सेफ्टी इश्यूज, एविएशन के सेक्टर में जितने भी सेफ्टी इश्यूज हमको डील करना ही इस DGCA का काम होता है। वर्तमान में DGCA कौन, विक्रम देवदत्त है, DGCA चीफ विक्रम देवदत्त अब बन चुके हैं, ठीक है। एयर सेफ्टी, एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड, इन सभी को भी रेगुलेट करना है, सबको चेक करना इस DGCA का काम रहता है। इवेंट्स में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बना है। देखिए इवेंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड मार्केटिंग ऑफ कोकोनट प्रोडक्ट्स बिगन इन हैदराबाद, कोकोनट प्रोडक्ट्स के ट्रेड और मार्केटिंग के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे, शुरू हुई कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखेंगे, कोकोनट प्रोडक्ट्स के ट्रेड, उनके व्यापार और उनकी मार्केटिंग के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हाल ही में कहाँ पे हुई, तो वो हुई कहाँ पे, हैदराबाद में हुई, हैदराबाद के डुंडीगल
डोंडीगल में क्या है, एयरफोर्स अकेडमी है। जितने भी आप लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की, अकेडमी कहाँ पे है, डोंडीगल में। और आईएमए की कहाँ पे है, आईएमए कहाँ पे है आपका, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 दिन की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि हैदराबाद में हो रही है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी, 4 सेशंस कवर किए जाएंगे। इंटरनेशनल आउटलुक फॉर कोकोनट प्रोडक्ट्स, नंबर एक कि कोकोनट प्रोडक्ट्स दिखने कैसे चाहिए, आउटलुक कैसा होना चाहिए, मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल कोकोनट सोर्सिंग, ग्लोबल मार्केट प्रोस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फॉर कोकोनट प्रोडक्ट्स, और इनोवेटिव इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन कोकोनट सेक्टर। इन 4 मेन चीजों पर यहाँ पे बात की जाएगी, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कासरगोड केरला। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज, आईसीसी। अभी आईसीसी मतलब क्या है, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी। इनके एक डेटा के अकॉर्डिंग, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, इंडिया लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड का। दुनिया में सबसे ज्यादा कोकोनट कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, हमारे भारत में किए जाते हैं, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, 30.93% शेयर है ग्लोबल प्रोडक्शन का, जिसमें इंडोनेशिया सेकंड नंबर पे, फिलीपींस थर्ड नंबर पे आती है। ये दोनों कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। इनका एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं हम लोग आसियान। ठीक है, 10 कंट्रीज इसमें आती है, ये है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इंडिया रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी उत्पादन के टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ पे ये बात किया कर रहे हैं, तो कोकोनट क्रॉप कंट्रीब्यूट्स अराउंड 307.956 मिलियन टू द कंट्रीज जीडीपी। इतना यहाँ पे मिलियन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रख लो बस पहली लाइन को। ठीक है, इससे आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स यहाँ से देखते हैं क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स से क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है। एमआईटी के प्रोफेसर हरि बालकृष्णन, इनको दिया गया मार्कोनी प्राइज, इनको मिला है, ये आपके हरि बालकृष्णन, इनको दिया गया मार्कोनी प्राइज। अब जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, या कौन, हरि बालकृष्णन, इनको दिया गया है 2023 का मार्कोनी प्राइज। एमआईटी मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी यहाँ पे प्रोफेसर हैं बेसिकली, तो इनको दिया गया है। किस लिए दिया गया है, फॉर हिज फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मोबाइल नेटवर्किंग और मोबाइल सेंसिंग, इन सारे के सारे क्षेत्रों में जो नेटवर्किंग है, उस सभी को उसमें अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया है क्या, अभी हाल ही में मार्कोनी प्राइज। डिजिटाइजेशन को बढ़ाने के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो उनको दिया जाता है क्या, मार्कोनी प्राइज दिया जाता है। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीजिंग डिजिटल इंक्लूसिविटी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो डिजिटल इंक्लूसिविटी को बढ़ा रहा है उसके लिए कोई भी ऐसी एडवांस आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन वहां पे है, तो उनको दिया जाता है क्या, मार्कोनी प्राइज। एक टॉप ऑनर है कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, जो बालकृष्ण है इनको पहले दिया जा चुका है इंफोसिस प्राइज। ठीक है, आईईई कोजी कोबयासी कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन अवार्ड 2021 में इनको दिया जा चुका है। यह सारा का सारा है यहाँ पे। ठीक है, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट्स। एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपके लिए बन के आई है, कौन सी, फिक्की से। फिक्की यानी कि द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 जब हमारे देश पे साइमन कमीशन आया था, रॉलेट एक्ट भी लगा था उस टाइम पे, आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, और घनश्याम दास बिरला इसके फाउंडर है। तो फिक्की में क्या हुई है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट शैलेश पाठक, इनको बनाया नया अपॉइंट किया गया है क्या, नया एसजी यानी कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की। ठीक है, शैलेश पाठक इनका नाम है, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ाते हैं, बुक्स। बुक्स में क्या इंपॉर्टेंट आया आपके लिए, गिल्डेड केस, ईयर्स दैट मेड एंड अनमेड कश्मीर, मतलब कश्मीर के इशू के बारे में बेसिकली इसमें बात की गई है। गिल्डेड केस जो कि संदीप बामजे की बुक है, ठीक, कश्मीर के इशू को लेकर चलती है। एक ट्रायोलॉजी है उनकी, उसके थर्ड एडिशन यही वाला है, कौन सा, गिल्डेड केस, ईयर दैट मेड एंड अनमेड कश्मीर, जिसने कश्मीर को बनाया या फिर नहीं बनाया, ऐसी बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो संदीप बामजे की यह बुक है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स यानी खेल से इंपॉर्टेंट न्यूज क्या बनी है, स्पोर्ट्स से बनी है, मध्य प्रदेश क्राउंड सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम जीती, मध्य प्रदेश, इन्होंने किसको हराया, महाराष्ट्र को हरा दिया, ये है। यानी कि महाराष्ट्र सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, और ब्रॉन्ज किसके हाथ में लगा, झारखंड के हाथों में लगा। ठीक है, बेस्ट प्लेयर कौन कौन है इसमें, बेस्ट गोलकीपर सोनल मिंस, बेस्ट डिफेंडर प्रतिभा आर्या, बेस्ट मिडफील्डर
कौन, मानसी नरेंद्र सैद, मानसी नरेंद्र सैडगे, और बेस्ट फॉरवर्ड इसको अलबेला रानी टोपो, इनको दिया गया। यहाँ पे ये टीम है महिला की जो नेशनल चैंपियनशिप है, हमारी जो नेशनल टीम है सीनियर वुमेन की वो वाली। ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में ही डेनियल मेडवेडेव बीट एंडी मुरे वन कतर ओपन टाइटल, कतर ओपन टाइटल को अपने नाम किया डेनियल मेडवेडेव ने, हराया किसको, एंडी मुरे को हराया डेनियल मेडवेडेव ने। ठीक है इनका 17वां सिंगल्स टाइटल है, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इतनी ही न्यूज थी इंपॉर्टेंट, लास्ट में क्वेश्चंस आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, FATF was founded in the Financial Action Task Force, कब की स्थापना की गई थी। सेकंड क्वेश्चन, हेल्थ इमरजेंसी अभी डिक्लेयर की गई है एक कंट्री में डेंगू अटैक की वजह से, तो किस कंट्री में इसको अभी हाल ही में वहां पे हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है आपको बताना है, पेरू चिली अर्जेंटीना बोलीविया या फिर बोलीविया अर्जेंटीना चिली पेरू, ठीक है इनमें से किस में लगाया गया है। ठीक है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में इनको। ठीक है लास्ट में इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के SHC भी इसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट वहाँ मिलता चला जाए, साथ ही साथ बीपीडिया इस TG चैनल को भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है ताकि यहाँ से भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है तो इतना ही था आज के इस वीडियो में, कैसा लगा आप लोग जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, कोई सुधार चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट्स है कुछ भी चीज़ें हैं तो आप लोग बता सकते हैं ताकि मैं उस पर काम करूं और आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ें और ज़्यादा हम लोग इम्प्रूव कर सकें। ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।